नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। भाकपा माले एवं महिला संगठन ने मणिपुर की घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है तथा इस घटना में शामिल सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करते हुए फांसी देने की मांग की है। प्रदर्शनकारी बारसोई शहीद शुभम चौक के निमतल्ला चौक से सड़क पर पैदल मार्च करते हुए शहीद शुभम चौक पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व महिला संगठन की नेत्री जूही महबूबा एवं आसमा खातून कर रही थी, जबकि मौके पर मुख्य रूप से बलरामपुर के विधायक कामरेड महबूब आलम एवं समाजसेवी इंजीनियर शाह फैसल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद राज्य मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। वहां की महिलाओं को गैंग रेप करने के बाद निर्वस्त्र कर पूरे शहर में घुमाना और उनके परिजनों की हत्या कर देना अपने आप में घिनौना कुकृत्य है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, इसलिए प्रदर्शनकारियों द्वारा इस घटना में शामिल सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है। मामला यही है कि मणिपुर का जो तीन महिला थी, तीनों महिला के साथ जो गैंग रेप किया, बहुत सारा लड़का ने मिलकर के किया और जो है उनको नंगा करके खुलेआम जैसे रैली निकालता है वैसे तीनों महिलाओं को दौरा दौरा करके लेके गया, हाथ में भी बांध दिया है, दौरा दौरा लेकर के घुमाया। मणिपुर का प्रशासन से वो लोग जो है राहत मांगा कि हमको मदद करो, बचाओ, लेकिन मणिपुर का प्रशासन ने भी नहीं कर पाया, उन लोग का मदद नहीं कर पाया, उन लोग का जो है सहयोग नहीं दे पाया। और मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको कुर्सी में रहने का लायक नहीं है। वो क्यों नहीं उन लोग का ये सुरक्षा दे पाया, क्यों नहीं उन तीनों महिलाओं को जो है नंगा करके जो घुमा रहा था क्यों नहीं बचा पाया? तो वीरेंद्र सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत पीड़ा में हैं, बहुत हमको खेद है, खेद से और पीड़ा से काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी। मणिपुर का जो तीनों महिला है, तीनों महिलाओं को के साथ जो बलात्कार किया और नंगा करके जो खुलेआम जो घुमाया गया, इसका कौन जिम्मेवार है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार है और मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह, ये दोनों आदमी जिम्मेवार है। आप क्या चाहते हैं? आप लोग नहीं चलेगा, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। आप लोगों को क्या चाहते हैं, मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि वो अपराधी जो इतना जो बड़ा जो दर्दनाक जो घटना उन लोग के साथ जो किया, उन लोग को स्वयं फांसी दे, और जो है अगर फांसी नहीं दे पाएगा तो जनता का हवाला कर दे, जनता समझेगा। आम पब्लिक उनको दौरा दौरा करके मांग रहेगा, गिट्टी से उनको मारेगा। क्या नाम? फांसी देना पड़ेगा। ये जो मणिपुर की लड़कियों को, जो मणिपुर में जिस तरह से सैकड़ों की भीड़ सड़क में नंगा करके जो परेड करा रहा था और जिस ढंग से उन लोगों को बलात्कार किया गया और उनके भाई को और उनके पिताजी को मर्डर किया गया, इसके विरोध में हम लोग जो है जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनका हम लोग इस्तीफा मांगते हैं। और नरेंद्र मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं अभी तक, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही एक्शन लिया गया, तो तीन महीने से मणिपुर की पुलिस क्या कर रही थी? ये मणिपुर की पुलिस, वहाँ की सरकार निकम्मा हो चुका है, वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए, मणिपुर की सरकार को, और वहाँ की बेटी को इंसाफ मिले, ये हम लोग की मांग है। मैं इंजीनियर शाह फैसल, अध्यक्ष जन क्रांति। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।